जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक रहेगा कि जो हम लोग विदेश आते हैं तो विदेश आने में क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे इंटरव्यू मारते हैं, कहाँ मारते हैं इंटरव्यू, कितना पैसा भरना पड़ता है। तो ये सब चीज़ तो हम आपको बता सकते थे अपने से कि ऐसे यहाँ मारिए इंटरव्यू, वहाँ पर जाइए, नुक टेक जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन यही चीज़ हम आपको और भी आदमी है उससे पता करवा के बताएंगे कि भाई कैसे इंटरव्यू मारे हैं, कितना पैसा भरे हैं और यहाँ आके काम करने में कैसा लगता है। तो ये सब बारे में जानेंगे आज, बहुत बात है, आप देखिए मज़ा आएगा वीडियो में। इसमें तो एक हमको फिटर मिले हैं अभी, तो यहाँ पे देखिए हम लोग अभी दोस्तों टैंक के काम कर रहे हैं, उज्बेकिस्तान में है। सच बताए तो उज्बेकिस्तान में है। उस्ताद फोकस करिए, इधर कैमरा मैन फोकस करिए थोड़ा सा। देखिए उस्ताद हम लोग टैंक में काम कर रहे हैं और उसके बाद ये बड़ा टैंक है, 40 मीटर बाई 22 मीटर का टैंक है। 40 मीटर इसका दाया है और 22 मीटर इसका हाइट है। तो टैंक का मतलब लंबा चौड़ा टैंक है। 4 महीना हम लोग को यहाँ पे हो गया काम करते हुए, तो हम सोचे कि अब हो गया है, बहुत काफ़ी टैंक बना दिया, बिल्डिंग उल्डिंग का काम चल रहा है, तो देखा जाएगा। चलिए अब हम लोग पीटर से मिलते हैं। ये हमारे ऋषि भाई हैं, पीटर हैं, इंडिया से आए हैं। इंडिया से आप पहली बार आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? नहीं, यहाँ तो पहली बार आए हैं। यहाँ पहली बार आए हैं। और कहीं का एक्सपीरियंस है आपके पास? हाँ, अबूधाबी गया था। अबूधाबी दस्त देखिए, पहले अबूधाबी गए, उसके बाद यहाँ पे उज्बेकिस्तान में आए। बताइए ऋषि भाई, आपका जैसे यहाँ पे उज्बेकिस्तान में, तो पहले आप कहाँ गए थे? पहले अबूधाबी गए। अबूधाबी, वो कहाँ, वो कौन सा कंपनी था? वो अला साहब कंपनी थी। अला साहब पेमेंट भी उसमें सही है, सब कुछ सही है। उसमें कितना आपका सैलरी लगाया था? उसमें तो 1500 दरहम था दोस्तों। कहाँ बोले? अबू धाबी में 1500 दरहम अपना पीटर भाई है, ऋषि भाई, इनका सैलरी लगाया था। उसके बाद अब बताइए, आप इंटरव्यू कहाँ मारे हैं? अनूपटेक बड़ोदरा वाला। अच्छा अच्छा, बड़ोदरा में अनूपटेक में इंटरव्यू मारा। कोई जैसे एजेंट था या डायरेक्ट मारे थे? नहीं, अर्जेंट था। एजेंट कौन? एजेंट था वो कृष्णा सूर्या, किशन सूर्या। अच्छा अच्छा, किशन सूर्या दोस्तों बहुत फेमस है अपने अनूपटेक में, एक अच्छा सा कलाएँ आती है, एजेंट है। हम लोग दूसरा एजेंट से मारे हैं, हम मारे हैं खलील से, खलील अहमद बनिया, वो भी बनिया ही है। आप किसी भी एजेंट से मारेंगे, आपको मारना इंटरव्यू है। तो आप जब इंटरव्यू मारे थे तो आपसे क्या क्या पूछा था उसमें इंटरव्यू में? बस ड्राइंग के बारे में पूछा था। ड्राइंग कौन सा ड्राइंग था? आइसोमेट्रिक था। आइसोमेट्रिक ड्राइंग दोस्तों सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको वीडियो में समझाते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में। तो आप अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो उसमें वीडियो पहले से दिया हुआ है, आप जाके आइसोमेट्रिक ड्राइंग बढ़िया से सीख सकते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग मतलब वो कंपलसरी है? हाँ, कंपलसरी है, आना ही चाहिए। आना चाहिए, इंटरव्यू जब मारने जाएंगे तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग पूछेगा ही पूछेगा, कन्फर्म है उसमें। जैसे क्या क्या, जैसे आइसोमेट्रिक है तो मान लीजिए, चलिए आइसोमेट्रिक है तो उसमें क्या पूछा था पहले? पहले वो पूछेगा कि कितना इंची की लाइन है, क्या है, कौन सा मेटल है। ठीक है, तो आपसे पूछा था कि ये कितना इंची की लाइन है? कितना इंची की लाइन है मतलब वो ड्राइंग के बारे में पूरा टेम्पलेट भी मुड़वाया होगा? टेम्पलेट मुड़वाया था, डिग्री भी पूछ सकता है। डिग्री तो पूछता ही है, अगर अच्छा से इंटरव्यू लिया जाएगा तो वहाँ पे डिग्री पूछा जाता है, सही बात है। और उसके बाद ये भी पूछा था कि आप पहले कहाँ काम किए थे, क्या ये सब अनुभव? नहीं, ये नहीं पूछा था। वो आपका पेपर देख लिया था, बायोडाटा क्या नाम है, सीवी देख लिया था। उसके बाद आपसे पूछा कि ये ड्राइंग इसमें कितना इंची का लाइन है, कितना इंची का, क्या क्या, कौन सा मेटल है, कौन सा मेटल था उसमें? सीएस का मेटल, सीएस। उसका कौन सा ग्रेड था? ग्रेड था A106। हाँ, A106 ग्रेड बी। हमसे भी वही पूछा था ये कौन सा था। और उसके बाद दूसरा ड्राइंग जब दिया ना तो हमसे उसमें A333 का था, LTCS का, LTCS मालूम। उसके बाद उसमें जैसे सीएस का ही था लेकिन उसमें वो वाल के बारे में भी पूछा, इसमें कौन सा वाल लगा, ये आपसे पूछा था? नहीं, आपसे नहीं पूछा। वो फ्लांज के बारे में, मेटर जो उसका फिटिंग्स होता है, ये कौन सा फिटिंग्स है, ये सब के बारे में? ये कुल हमने कुछ नहीं पूछा, हमसे कई बस टेम्पलेट मरवाया, डिग्री पूछा बस, क्लास टेम्पलेट, डिग्री कंफर्म पूछेगा, डिग्री कंफर्म होता है। और उसमें आपके व्यू भी मरवा के देखा था? हां, व्यू मरवाया 6 इंची का पाइप में।
नहीं नहीं हम लोग का चार इंची चार इंची अच्छा चार इंची का पाइप में जैसे मान लीजिए उसका 40 शेड्यूल 80 शेड्यूल का रहा होगा उसमें भी मरवाया होगा फिटअप करवाया था फिटअप भी करवाया बताइए दोस्तों आप जब इंटरव्यू मारने जाएंगे तो आपके पास आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए और प्लस आप फिटिंग करने के लिए वहाँ पे भी मरवाता है भी आपको 37 डिग्री में मरवाएगा और चेक करा था भी को चेक किया हाँ चेक करता है 37 डिग्री गेज लगा कर रखता गेज लग चेक चेक किया बाकी बोलता है कि मालूम थिनेस के हिसाब से भी चाहिए तो कोई बात नहीं 37 डिग्री में तो ज्यादा हो जाएगा बाकी अपना मान लीजिए 38-40 ऐसे हो जाता है 30-32 चाहिए एवरेज में तो उतना आपको अंदाजा से आपको डिग्री का भी निकालना होगा और उसके बाद अंदाजा से जब मानेंगे तो वो बराबर बैठेगा भी एकदम बढ़िया मानना पड़ता है बहुत बढ़िया मान चेक भी करता है फिटिंग भी करवाया था सब भी चेक करता है फिटिंग भी चेक करता है एज भी चेक करेगा अच्छा तब भी और टेरा भी सीधा भी चेक करेगा तब तब जाके भेजेगा तब भेजेगा मतलब ये हो गया दोस्तों आपका कंपलसरी सवाल जैसे कि मान लीजिए आप जब इंटरव्यू माने जाएंगे तो आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग एक हो गया और उसके बारे में आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में टोटल जानकारी होना चाहिए जैसे एलिवेशन हो गया स्टिंग नॉर्थिंग हो गया कोऑर्डिनेशन उसके मटेरियल्स के बारे में फिटिंग्स के बारे में पूछेगा मतलब इसके अलावा कहीं और से और पूछा कुछ नहीं बस इसके अलावा कहीं से नहीं, नहीं तो देखिए दोस्तों इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं पूछता है आपको सिर्फ जो काम करते हैं मान लीजिए आप पाइप फिटर हैं तो पाइप फिटर के बारे में ही पूछेगा ये आपको स्ट्रक्चर टैंक ये सब के बारे में नहीं पूछेगा पाइप फिटर है तो पाइप फिटर के बारे में पूछेगा और ज़्यादा सवाल नहीं करेगा वो अपने हिसाब से इतना सवाल करेगा जिसमें उसको मालूम चल जाए खाली कि आप काम करते हैं कि नहीं किए हैं काम किए हैं कि नहीं किए हैं वही है हमसे भी वही पूछा था हमसे हमको तो दे दिया था एक स्टीम लाइन का स्टीम ट्रैप जो होता है ना तो स्टीम ट्रैप डाला ड्राइंग दे दीजिए अब बताया कि ये कैसा तो हम उसको बताया उसमें डिग्री भी था और उसमें कंट्रोल वाल ग्लोब वाल जितना भी स्टीम ट्रैप ये सब जितना वाल था सब था उसमें बेल्डोनिक फ्लांज भी था तो हम उसको बताए हमसे तो ज़्यादा इंटरव्यू भी नहीं लिया 2 मिनट इंटरव्यू लिया पूछा उसके बाद भी वो मरवाया नहीं आराम से कहा कि ठीक है चलो उसको मालूम चल जाता सिर्फ उसको मालूम चलना चाहिए कि उसको मतलब काम किया है अगला आदमी की नहीं काम किया है सीवी उसके लिए बनाया जाता है एक टैंक बन रहा है वहाँ पे और पाइपिंग का भी काम हो रहा है टैंक भी बन रहा है तो अभी हम लोग टैंक के अंदर में है और हम लोग आज बात करेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा जाता है तो इसके लिए हम लोग एक फिटर अपना नरेंद्र भाई फिटर मिले हैं तो ये आप कौन सा ऑफिस इंटरव्यू मार के आए थे ग्लोबल 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 ये कहाँ पर है ये गोरखपुर पड़ता है गोरखपुर में दोस्तों ग्लोबल एक ऑफिस नया ऑफिस खुला है गोरखपुर में वहाँ से नरेंद्र भाई इंटरव्यू मारे थे वहाँ से आए थे और कितना भरे थे पैसा कितना भर के आए थे एक मैं बोलिए कोई दिक्कत नहीं 1:40 1:20 1:10 एक कितना भरे थे अरे वो सुनेगा तो 1:40 बोला ना बोलिएगा कोई बात नहीं हसन भाई कितना पैसा कितना भर के आए थे देखिए दोस्तों नरेंद्र भाई बता नहीं रहे लेकिन हम लोग को ऐसे साइलेंट बताया 1,40,000 भर के आए थे हम भी जब आए ना इधर तो हम भी 1:30 भर के आए थे हम क्योंकि गोरखपुर से नहीं मारे थे हम मारे थे वडोदरा से तो 1,30,000 अपने एशिया पावर के ऑफिस में भर के आ गए थे और नरेंद्र भाई 1:40 भरे थे बता नहीं रहे ऐसे कि ज़्यादा हो गया चलो कोई बात नहीं अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सवाल के बारे में कि कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में पाइपिंग से रिलेटेड तो पहला जैसे अगर आप इंटरव्यू मारने गए थे उस्ताद तो आपसे पहला सवाल क्या किया था वो क्लाइंट पूछा था कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है अच्छा मैं बोला कि कतर में ओमान में ऐसे ऐसे इंडिया में भी काम किया है ऐसे मतलब अपना एक्सपीरियंस पहले पूछा कि आप कहाँ कहाँ काम किए थे तो आप बताया गल्फ रिटर्न है कि नहीं गल्फ रिटर्न भी पूछा था गल्फ रिटर्न उसके लिए उसके बाद फिर जैसे कि हम लोग से पूछता है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में तो ये सब हाँ ड्राइंग के बारे में पूछा था कौन कौन सा ड्राइंग यूज किया जाता है तो मैं बताया प्लान ड्राइंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग अच्छा प्लान ड्राइंग का यूज करते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग प्लान ड्राइंग वर्कशॉप में यूज करते हैं प्लांट का ड्राइंग जो PNID होता है उसको वर्कशॉप में यूज करते हैं और आइसोमेट्रिक ड्राइंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग को प्लांट में हम लोग यूज करते हैं जैसे फैब्रिकेशन हो या इरेक्शन हो तो प्लांट में हम लोग यूज करते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग का।